अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ख़ूबसूरत सफ़र की जानिब, और ये सफ़र है इस्लामाबाद से मरी का सफ़र। ये हमारा ट्रैवल लॉग है और ये स्पेशल ट्रैवल लॉग हमने आपके लिए तैयार किया। हमने तो बहुत इंजॉय किया क्योंकि सफ़र हमारा बहुत ही ख़ूबसूरत रहा माशाल्लाह से, और मौसम भी बहुत ख़ूबसूरत था, और हमने आपके लिए बहुत सारी यादें इकट्ठी कर लीं ताकि आपको भी अपने साथ इस ख़ूबसूरत सफ़र में शामिल कर सकें। तो फिर देर किस बात की है, चलिए मरी के इस ख़ूबसूरत सफ़र की जानिब चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत मंज़र है, दूर दूर तक पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और मार्च का महीना तो वैसे ही बाहर का महीना होता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, लेकिन चूंकि हम पहली दफ़ा गए थे और भाई की कोशिश थी कि किसी तरह से बर्फ़ मिल जाए, और मरी में ऊपर से ऊपर जाते जा रहे थे गाड़ी तेज़ चला के, और कोशिश ये थी कि बच्चों को बर्फ़ दिखा दें। और आप देखिए क्या खूबसूरत मनाजिर, माशाल्लाह अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत वतन दिया, इतना खूबसूरत पाकिस्तान दिया। दुआ है कि अल्लाह इसकी हिफाजत करे और हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें, इसकी कदर कर सकें। इतने खूबसूरत मनाजिर के वाकई पीसफुल, दिल चाह रहा था कि बस ये मनाजिर किसी तरह से हम महफूज कर लें, और हमने महफूज किए आपके लिए। ये देखिए यमुना के सर अब्दुल्ला बैठे हैं, मैं और मेरे भाई बैठे हैं, मोमी भी हमारे साथ थे, और हम अपने सफ़र की जानिब रवा दवा हैं। क्या खूबसूरत मंज़र है वो देखिए, पहाड़ के जो सब्ज़े से ढका हुआ है और खुला आसमान, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ और आसमान आपस में बातें कर रहे हैं। इसी सफ़र के दौरान हम बिलाखिर टोल प्लाज़ा तक पहुंच गए, और इस्लामाबाद से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है। अगर आप तेज़ गाड़ी चलाएं तो 1.5 घंटा लगता है। और पूरा सफ़र इसलिए बहुत ख़ूबसूरत रहा क्योंकि रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, रास्ता इतना अच्छा है, खुशगवार रास्ता है कि वाकयन बहुत ख़ूबसूरती के साथ जो है इस रास्ते को बनाया गया है, हर बात का ख्याल रखा गया है। कुछ कुछ दूर होटल्स आते हैं अगर लोग ठहरना चाहें, और ये देखिए क्या खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह, पहाड़। दिल चाह रहा था मेरा तो कि इन पहाड़ों में जाके मैं उतर जाऊं और यहाँ पे खूब चलूं फिरूं, इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आसमान पहाड़ों से बातें कर रहा है। बहरहाल तेज़ी के साथ हमारा सफ़र रवा दवा था, और मार्च का महीना था, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, लेकिन फिर भी चूँकि हम पहली दफ़ा गए थे तो भाई की ये कोशिश थी कि बच्चों को बर्फ़ भी दिखा दी जाए, और बच्चे जब यहाँ तक आए हैं पहली दफ़ा तो बर्फ़ के मज़े भी बच्चों को मिल जाएं। तो बस इसी सर्चिंग में, इसी कोशिश में हम चलते चले जा रहे थे, और सफ़र हमारा रवा दवा था। काफ़ी लोग थे यहाँ पे, वर्किंग डे था जबकि, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ हमें नज़र आईं, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एहसास था कि जिसमें हम आपको भी शामिल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ साथ इस सफ़र में शामिल होंगे, और जब आप माशाल्लाह यहाँ तक हमारे साथ इस सफ़र में पहुँच गए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने एक वो तो अलग जगह, वो बर्फ में जो पत्ती वो ऊपर कहीं होगी तो बाहर, हाँ आदमी को अंदर रखा था तो क्या हो गया, तो चाय बनाने का सवाल भी रख लेते, हाँ नहीं रखा हमने, चले एटलीस्ट हाथ धोने का। मरी रोड है, मरी भी आएगा, बर्फ भी आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ। बर्फ थी वहाँ पे, जी चलाया हुआ था वहाँ पे, सही है, बल्ले दिखनी नहीं थी आग चलती हुआ।
अब इतनी ज्यादा ठंड, मरी जा रहे हैं बादलों के ऊपर। नहीं हाँ पहुँच जाएंगे ना, यकीनन आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये खूबसूरत वादियाँ देख के, खूबसूरत मनाजिर, ये खूबसूरत पहाड़। और जिस तरह से हमने इंजॉय किया है उसी तरीके से हमारी कोशिश है कि आपको भी अपने साथ इस इंजॉयमेंट में शामिल करें। गाड़ी हमारी चलती चली जा रही थी, भाई की कोशिश थी, भाई ने कह दिया था कि बर्फ़ ज़रूर, क्योंकि अब्दुल्ला को बहुत शौक था बर्फ़ देखने का, तो अब्दुल्ला के मामा कैसे रुक सकते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, बस किसी तरह से बर्फ़ तक पहुंचना है, और बिलाखिर हम इसमें कामयाब भी हो गए थे। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि बर्फ़ देखने के बाद जो प्लान था भाई का, वो ये कि हमें चेयर लिफ्ट पर बिठाना था, और मैं तो बहुत डर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि यहाँ तक आए हैं तो बच्चों को लाजमी चेयर लिफ्ट में बिठाना है। और वाकई बहुत मज़ा आया था, तो हम आगे के जो तमाम पार्ट्स हैं उनमें आपको कोशिश करेंगे कि मुकम्मल कवर करें और एक एक चीज़ दिखाएं, तो आप हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, यहाँ पे नाश्ते और वॉशरूम सब चीज़ों की सहूलत मौजूद है, तो हमने नाश्ता तो घर से करके आए थे। अभी बनाना और कुछ स्ट्रॉबेरीज हमने ले ली हैं, बड़ी अच्छी मिली हैं, 200 रुपए दर्जन थे बनाना, 180 उन्होंने हमारे लिए कर दी। अब हम जा रहे हैं फाइनली किस जगह जा रहे हैं, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं और बर्फ़ की सर्चिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस महीने में वैसे तो यहाँ पर सर्दियों में हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, पीछे भी हमें थोड़ी सी नज़र आई थी, लेकिन अब हम जा रहे हैं सर्चिंग करने बर्फ़ की, तो आपको भी लेके चलते हैं। उन्होंने पकौड़े भी दिए थे, ये तो फुल्कियाँ हैं मेरे खास में पापा, दूसरा जो फुल्कियाँ है ना यहाँ की, वो कॉर्नर्स की, ये रहे हमारे पकौड़े, दिखाती हूँ व्यूअर्स। यानी ये है, ये आलू के हैं, आई थिंक अंडा, अंडा है, अच्छा अंडा है, और ये आलू के चिप्स हैं, बहुत अच्छा है, मुझे ये पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं। अब्दुल्ला आपने अंडे का पकौड़ा खाया? खा रही हूँ। ये देखिए जगह जगह बर्फ तो आ रही है, ये दिखाओ व्यूअर्स, अंडे वालों को शॉर्ट आउट्स को देना। अब रमजान आने वाले हैं, तो हम आपको कुछ रेसिपीज जो है ना पकौड़े की शेयर करेंगे घर पहुंचने के बाद इंशाल्लाह, तो हम आपको उसमें ये अंडे का पकौड़ा भी बनाना सिखाएंगे। वैसे तो ये बहुत ही आसान है एग बॉइल करके, और ये आप लोग देख सकते हैं जगह जगह बर्फ आ रही है, और ये देखिए स्टॉल लगाया हुआ है पूरा, शॉल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शॉल्स का पूरा वो है कि रास्ते में किसी को सर्दी लगे तो वो खरीद ले यहाँ से शॉल। ये बर्फ थोड़ी थोड़ी सी बर्फ नजर आना शुरू हो गई है, आगे से भी दिखाती हूँ आपको मैं, तो फाइनली बर्फ की सर्चिंग करते करते हम लोग ऐसी जगह तो पहुंच गए जहाँ के हमें कुछ गंदी बर्फ नजर आ रही है, लेकिन कुछ और साफ मजीद जगह के इंतजार में हम लोग, मतलब इस मौके पे मार्च के इस महीने में बर्फ की सर्चिंग हो रही है। ये लिखा हुआ है शंग्रीला होटल एंड रिजॉर्ट, शॉर्ट आउट ना दिया कर। ये वाली बर्फ है ना साफ सुथरी, क्यों जबरदस्त।